हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में, R&D वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। मैं यहाँ पर तरह तरह की वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ, कभी कुकिंग से रिलेटेड, कभी पेरेंटिंग से। आज मेरी वीडियो है फिजियोथेरेपी के ऊपर, क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। सो आज आपके घुटनों में अगर दर्द रहता है, घुटने में तकलीफ है, तो फेज़ 1 एक्सरसाइजेज घुटने के लिए हम आज बताने वाले हैं। सेकेंड फेज़ 2 एक्सरसाइजेज हैं, वो जब आप ये सीख जाएंगे, इनको 1 महीने कर लेंगे, उसके बाद आप 1 महीने बाद फेज़ 2 एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सो अभी स्टार्ट करेंगे हम अपनी फेज़ 1 एक्सरसाइजेस को। तो जैसा कि आप अगर मेरी पहली वीडियोस देख चुके हैं, तो अब से सबसे पहले होगी 2 एक्सरसाइजेस वार्मिंग अप एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने पैरों के पंजों को चलाएंगे। आप ये बैठकर भी कर सकते हैं और आप ये लेटकर भी कर सकते हैं। आप दोनों पैर भी एक साथ कर सकते हैं और आप एक पैर ऐसे ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 20 times आपको ये करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसे 10 किया, इसे 20 करना है। इसके बाद आपको दूसरी एक्सरसाइज है हील ड्रैग एक्सरसाइज। आपको इसके लिए लेट जाना है और अपने घुटनों को दोनों को मोड़ना है। 1, 2, 3 ऐसे 10 बार इस पर, 10 बार इस पर करना है। ये हो गई आपकी 2 वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस। अभी है घुटने की एक्सरसाइज। उसके लिए आपको ऐसे एक बेडशीट का किसी भी चीज़ का एक रोल बना लेना है और उसको अपने घुटने के नीचे प्रेस करेंगे और अभी घुटने से इसको दबाएंगे और पंजा खींचेंगे अपनी तरफ और प्रेस करेंगे और काउंट करेंगे 10 seconds के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर से दबाएंगे और पंजा खींचेंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 2 बार हुआ है, ऐसे आपको ये 10 बार करना है। फिर इसी रोल को आपको अपने दूसरे नी के ऊपर लेके आना है। आप इसे प्लेस करेंगे अपने घुटने के नीचे और फिर से वही दबाएंगे और फिर से पंजा खींचेंगे और होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। फिर से खींचेंगे, दबाएंगे और काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। ये भी 2 बार हुआ है, ऐसे इसको भी आपको 10 बार करना है। अब इस रोल को लेके जाएंगे हम अपनी एड़ी के नीचे। अभी एड़ी से इसको प्रेस करेंगे, अभी एड़ी से दबाएंगे, पंजा खींचेंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। फिर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। ऐसे 2 बार किया है, ऐसे आपको ये भी 10 बार करना है। इसलिए अभी इस रोल को लेके जाएंगे अपनी दूसरी एड़ी की तरफ। अभी इस एड़ी से इसको प्रेस करेंगे, पंजा खींचेंगे और होल्ड करेंगे 10 seconds के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। फिर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गई हमारी 4th एक्सरसाइज। अभी चलते हैं अपनी 5th एक्सरसाइज की तरफ। अब ये जो रोल है आपने इसको घुटने के नीचे लगा लिया, इसको एड़ी के नीचे लगा लिया, अब इसे लगाएंगे अपने दोनों घुटनों के बीच में। सो अभी इसे दोनों घुटनों के बीच में लगाकर दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और फिर से वही दोनों घुटनों से प्रेशर देंगे रोल के ऊपर और काउंट करेंगे 10 seconds। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। ये हो गई हमारी 5वीं एक्सरसाइज। अभी चलते हैं हम अपनी 6th एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमें अपने कुछ नहीं करना है, पैर को उठाना है 70 degrees कि आप आँखों से अपने पैर के अंगूठे को देख सकें। सिर्फ इतना ही उठाना है और पंजे को खींचना है, होल्ड करना है 10 seconds। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर से ये वाला उठाएंगे, पंजा खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही दोनों पैरों पर 10 10 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस पे भी 10 बार करना है, इस पर भी 10 बार। इस तरीके से आपको ये 6 एक्सरसाइज हैं जो शुरुआत में फेज़ 1 में आपको करनी है। इसके बाद हम एड ऑन कराएंगे एडवांस एक्सरसाइजेस, जो आप 1 महीने अगर ये कर लेंगे, 21 दिन कर लीजिए, उसके बाद हम अपने फेज़ 2 की एक्सरसाइजेस शुरू कराते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं मेरे पास, और भी बहुत सारी तरह तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।